हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल मावा पनीर के गुलाब जामुन, जो बहुत ही यमी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये टोटली फ्री है। तो मावा पनीर के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर हमने 300 ग्राम मावा ले लिया है और 100 ग्राम पनीर ले ली है, 100 ग्राम से थोड़ा सा कम मैदा ले लिया है, यानी कि 80 ग्राम मैदा है, और काजू बादाम और किशमिश ले लिए हैं। इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, हमने काट लिया है। आप जो भी चाहें वो ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 इलायची और 1 kg शुगर ले लिए हमने चाशनी के लिए। और यहाँ पर हमने ले लिया है देसी घी इसको फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन घी में बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चीनी का आधा हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। तो चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। तो सबसे पहले पनीर ले लेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। होममेड पनीर है, घर का बना हुआ। इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के बिल्कुल चिकना होने तक मस लेंगे इस तरह से। तो पनीर हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें हम ये मावा मिला लेंगे। और साथ ही इसमें हम मिला देंगे मैदा और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो इसका एक सॉफ्ट डो हमने बना लिया है इस तरह से। एक बॉल बनाकर देखेंगे, अगर इसमें कहीं पर भी क्रैक है तो आप इसको और थोड़ा सा, तो काफ़ी अच्छा डो तैयार हो गया है, कहीं पर भी क्रैक नहीं है। तो शुगर मेल्ट हो गई है और बस इतना ही हमें चाहिए, कोई तार की चाशनी नहीं बनाना है हमें। इस तरह से अगर चिपकाएंगे तो एक पतला सा तार दिखना चाहिए। इसके लिए हमें पतली चाशनी चाहिए रहती है। थोड़ा सा गाढ़ापन हो बस। अगर आपकी चाशनी साफ नहीं बन रही है तो उसमें 1-2 चम्मच छोटे चम्मच दूध डाल दीजिए और जो झाग उबर आएंगे उसको निकाल दीजिए, तो चाशनी एकदम क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। वैसे आजकल तो साफ़ ही आती है चीनी, तो चाशनी तो साफ ही बनती है। तो इसको हम हटा देंगे और इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो इलायची को हमने पाउडर बना दिया है तो इसमें डाल देंगे और इसको हटा देंगे। घी गरम करने रख देंगे। घी इतना होना चाहिए कि गुलाब जामुन एकदम पूरे डूब जाए उसमें। इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है लेकिन डूबे होना चाहिए। तो थोड़ा सा डो लेंगे और एक चिकना बॉल बना लेंगे। ध्यान रहे कि कहीं पर भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। तो घी गरम हो गया है और इसमें हम इसको छोड़ देंगे। ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए।
इसको फ्राई होने देंगे। तो ये हमने ट्राई करने के लिए बनाया था कि गुलाब जामुन हमारे फट रहे हैं या नहीं। तो गुलाब जामुन नहीं फटा है, अगर फट रहे होते तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा और मिला लेते, अच्छे से मिक्स कर लेते। तो अब बनाते हैं गुलाब जामुन, और ये थोड़ा सा डो हम ले लेंगे और इसमें ये जो काजू बादाम है इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से तो अब बनाते हैं गुलाब जामुन, और इतना बड़ा डो जितने बड़े आप बनाना चाहो बना सकते हो। तो इतना बड़ा डो हम ले लेंगे इस तरह से, और इसको बीच में थोड़ा सा इसको दबा देंगे, और इसमें इस तरह से काजू बादाम और किशमिश की स्टफिंग भरेंगे, ज़्यादा नहीं, दो चार टुकड़े, और इसको अच्छे से पैक कर देंगे इस तरह से, और एक बॉल बना लेंगे। इस तरह से तो इस तरह से इसको इसके ऊपर घी डालते जाएं गरम गरम, या फिर आप इस तरह से इसको हिला सकते हैं, लेकिन ध्यान से इसे बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगानी है, इस तरह से इसके ऊपर डालते जाएं। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, नहीं तो गुलाब जामुन हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और तरह से इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये अपने आप पलट जाएंगे, इनको पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इस तरह से इसको हिलाएंगे घी को तो ये अपने आप पलट जाएंगे। तो गुलाब जामुन हमारे परफेक्ट फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें, ये देखिए। तो तैयार है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन। तो काफ़ी जालीदार, अंदर से जालीदार बने हैं गुलाब जामुन, और बहुत ही जूसी हैं, इसमें चाशनी अंदर तक चली गई है, और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस दिवाली, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।